बोलिए वृंदावन बिहारी। एक जब मैं कहता हूं मार के प्रभु नाकुर हंसने लग जाते सारे। मदन गोपाल ठाकुर जी नित्य हैं, ध्यान दीजिए। चलो थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं, इस विषय को आप स्पष्ट कर लीजिएगा ताकि मन में शंका ना रहे। यमुना जी बड़ी हैं कि गंगा जी, ये बताइए पहले। यमुना महारानी बड़ी हैं कि गंगा जी बड़ी हैं? पीछे वाला डिपार्टमेंट, यमुना जी बड़ी हैं कि गंगा जी बड़ी हैं? बाहर वाले थोड़ा उच्ची बोल लो, कौन बड़ा है? गंगा जी। कौन बड़े हैं? या तो उच्ची बोलो। हाँ, कौन बड़े हैं? हाँ, गलत है, गलत हो। गंगा जी नहीं बड़ी, यमुना जी बड़ी है। कैसे? आप ध्यान दीजिए, गंगा जी की आयु कितनी है और यमुना जी की आयु कितनी है? देखो, एक चतुर्युगी कितने समय की होती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है, ठीक है ना? चार युगों की मिलाकर एक चतुर्युगी है। हम टोटल राउंड फिगर ले लेते हैं कि अभी कलयुग के 5118 वर्ष बीते, आप 5000 लीजिए। वेदों के अनुसार द्वापर की आयु 8,00,000 वर्ष है, 8,64,000 है। त्रेता की 12,00,000 के करीब है और सतयुग की 16,00,000 के करीब है। टोटल कितनी होगी, आप गिनो जरा। 16, 12, 8 और ये 5 ही है। नियर अबाउट कितनी होगी? 40 की करीब होगी। अच्छा, आप कॉपी में नोट कर रहे हो फटाफट? अच्छा, मैं शायद कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है ना? 12, 8, 20, 30, 36, 40 के करीब करीब टोटल, क्योंकि राउंड फिगर ले रहे हैं ना सिर्फ। मान लो 40 के करीब है एक चतुर्युगी की आयु, और ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। ये कौन सी है? 28वीं चतुर्युगी चल रही है। इसी 28वीं चतुर्युगी के त्रेता में रघुनाथ जी के पूर्वज राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर धरती पर आए हैं, जो ब्रह्म हरि चरणों से प्रकट हुई, भगवान महादेव के शीश पर आई और वहां से एक धारा पृथ्वी पर बही है। तब से गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ है कालांतर में, माने इसी युगी के त्रेता में। अगर देखा जाए तो गंगा जी की आयु कितनी होगी इस हिसाब से? 5000 वर्ष ये, 8,64,000 के करीब हो गए द्वापर के, और कुछ साल लगा लीजिए त्रेता के, माने 10,00,000 के करीब, 10,00,000 साल के करीब हो गई गंगा जी की आयु। ये गंगा जी की। और यमुना जी कब आई? यमुना जी कब आई? आप ध्यान दीजिए, जब प्रथम चतुर्युगी शुरू हुई, पहली चतुर्युगी शुरू हुई, पहली चतुर्युगी का सतयुग प्रारंभ हुआ है, उस सतयुग की लीला है ध्रुव जी महाराज की। चतुर्युगी के प्रारंभ में सतयुग में ही ध्रुव जी आए हैं, और ध्रुव जी जब 5 वर्ष के ध्रुव वन में जाते हैं, आगे लीला आएगी, जब वन में जाते हैं साधना करने के लिए, तो मार्ग में नारद जी मिले और नारद जी से दीक्षा लेते हैं, और नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र ध्रुव को प्रदान किया। ध्रुव पूछते हैं, प्रभु अब ये बताइए मैं कहाँ जाकर साधना करूँ, कहाँ जाकर तप करूँ, कहाँ जाकर प्रभु को पुकारूँ, भगवान का दर्शन मुझे कहाँ होगा? तो नारद जी ने ध्रुव को उत्तर दिया। किस समय की बात है ये? प्रथम चतुर्युगी के सतयुग की बात है, प्रारंभ की, जब जब सृष्टि निर्माण शुरू हुआ उसी वक्त ध्रुव की लीला आती है, और नारद जी उस वक्त उसे कह रहे हैं कि ध्रुव तू कहां जा? ततात गच्छ वद्रम यमुनास्तटम शुचि। हे ध्रुव, तू यमुना के पुलीन पर चला जा, तू मधुवन में जाकर साधना कर, प्रभु को पुकार, जहां पर नित्य प्रति वृंदावन बिहारी की लीलाएं होती हैं, वहीं पर जाकर पुकारेगा तो ठाकुर जी तुझ पर कृपा कर देंगे। माने जब शुरुआत हुई तब यमुना जी हैं, और गंगा जी कब आई? वो इसी चतुर्युगी के त्रेता में आई हैं। तो बड़ी कौन हुई? एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बड़ी कौन है? यमुना जी। अच्छा, दूसरी बात एक और स्पष्ट यहां से हो रही है। नारद जी प्रथम चतुर्युगी में क्या कह रहे हैं कि ततात गच्छ वद्रम यमुनास्तटम शुचि, तो यमुना के पुलीन पर जा मधुवन में, जहां वृंदावन बिहारी की लीलाएं होती हैं। माने उस वक्त भी श्री कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, जब प्रारंभ हुई सृष्टि। और राम जी की लीला कब है? इसी चतुर्युगी के त्रेता में है। कृष्ण की लीला उस समय से है, माने कृष्ण नित्य है। अगर इस लीला का भी अनुभव करेंगे तब भी मन में शंका नहीं होनी चाहिए,
कि कृष्ण नित्य हैं। ध्यान दीजिए, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का धाम और ठाकुर जी के भक्त भी नित्य हैं। अगर भगवान का नाम नित्य है, भगवान का रूप नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, तो भगवान का भगवान के भक्त भी नित्य हैं, भक्त भी नित्य हैं। कल आप पद्म पुराण से महिमा सुन रहे थे ना कि धुंधकारी का उद्धार हुआ और उधर गंगा जी और ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। यह गंगा जी के तट पर हरिद्वार में भक्ति प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए, बोले संत महात्मा प्रकट हुए, साक्षात वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए। नारद जी महाराज तो वहीं पर थे, खूब जय घोष होने लगे, खूब आनंद लेने लगे। सुखदेव गोस्वामी भी प्रकट हो गए, बोले प्रहलाद जी महाराज आए। उस वक्त प्रहलाद जी प्रकट हो गए, अर्जुन प्रकट हो गए। आप विचार कीजिए, जबकि प्रहलाद तो सतयुग की बात है और जो कल लीला आप सुन रहे थे वो कलयुग की घटना है, कलयुग प्रारंभ की घटना है, जहां पर भक्ति दुखी है और गंगा जी के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित प्रकट हुई, किशोर हो गए और उनके दुख को दूर होते देखकर वृंदावन बिहारी भी प्रकट हो गए। और आप पढ़कर देखिए, प्रहलाद जी भी प्रकट हुए, अर्जुन भी आए, जबकि अर्जुन को गए भी समय हो गया, प्रहलाद तो सतयुग में आए थे, प्रहलाद को भी गुजरे कितना समय हो गया। लेकिन आज कलयुग के प्रारंभ में जब भक्ति नृत्य करने लगी, कृष्ण प्रकट हुए, तो प्रहलाद भी थे, अर्जुन भी थे, सुखदेव भी थे, ये सब के सब थे। इसका अर्थ क्या है कि अगर भगवान का नाम नित्य है, शाश्वत है, भगवान का रूप नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, तो भगवान के भक्त भी नित्य हैं, वो भी कहीं जाते नहीं है। जब जब ठाकुर जी लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त भी उनके साथ ही प्रकट हो जाते हैं, भक्त भी नित्य हैं। इसलिए यमुना महारानी नित्य है, कृष्ण नित्य है, तो फिर कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि अनादि से, अनादि काल से, अनंत से श्री कृष्ण की सेवा करते आए हैं। कृष्ण सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे, शाश्वत रूप है कृष्ण का। इसलिए जानकी जी ने भी सेवा की, रावण ने भी सेवा की, अम्बरीश ने भी सेवा की, शत्रुघ्न के माध्यम से भगवान मथुरा में आए। आप त्रिवेणी में गए हैं, इलाहाबाद जहां संगम है गंगा यमुना सरस्वती जी का, सरस्वती लुप्त हो जाती हैं और गंगा और यमुना का प्रवाह चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, एक ओर से यमुना जी आ रही हैं और एक ओर से गंगा जी आ रही हैं। यमुना जी का रूप कैसा है? श्याममयी। उनका रंग कैसा है? बिल्कुल श्याममयी है। और गंगा जी की धारा श्वेत है। ध्यान से देखिए, गंगा बड़ी तेजी से आ रही है, छोटी बहन है ना, थोड़ी तेजी से आ रही है, और बड़ी है थोड़ी शांत आ रही है। और बड़ी का जो स्वरूप है वो श्याममयी है और छोटी का स्वरूप कैसा? श्वेत है, श्वेत धारा है। और जैसे आकर मिलती हैं, दोनों जैसे मिली, दोनों मिलने के बाद अब दो नहीं रही, एक होकर चलती हैं। लेकिन कमाल की बात यह कि एक होने के बाद एक का रंग है और एक का नाम है। जैसे गंगा यमुना मिली तो आपस में विचार करती हैं दोनों बहनें कि अब के बाद एक होकर चलेंगी, लेकिन हम में से एक का रूप होगा, एक का नाम होगा। अब बताओ किसका नाम चले और किसका रूप चले? तो यमुना ने कहा, गंगे तो छोटी है, तेरा ही नाम चलना चाहिए। अब के बाद जो धारा बहेगी उसका नाम गंगा होगा। आप कहीं भी जाइए इलाहाबाद के बाद, जहां जहां वो धारा बहेगी उसका नाम यमुना नहीं है, उसका नाम गंगा ही है। और गंगा महारानी ने कहा, आपका स्वरूप ठाकुर जी का है, क्योंकि भगवान क्या है? श्याम स्वरूप है, और आपका स्वरूप भी वही है श्याममयी, इसलिए रूप आपका चलेगा। दोनों मिलने के बाद जो एक धारा बही है, नाम गंगा है और रूप क्या है? श्याममयी है। रूप श्याममयी है, नाम गंगा है। और गंगा यमुना जी का स्वरूप कैसा? श्याममयी। अच्छा, यमुना जी स्वरूप में कैसे हैं? कभी देखा आपने यमुना जी को? वो लहंगा चोली पहनकर या साड़ी में नहीं रहती हैं। उनका स्वरूप कैसा है यमुना महारानी का? बिल्कुल श्याममयी है। जैसे गिरधर गोपाल हैं, जैसे वस्त्रों में, जैसे आभूषण धारण किए, बिल्कुल वही स्वरूप यमुना जी का है। वो स्वरूप कैसे है? बोले वृंदावन की लीला में अक्सर अक्सर राधा रानी जी मान कर लेती हैं। मान का अर्थ समझते हैं, रूठ जाना। और तीन कारणों से राधा रानी जी रूठती हैं। प्रथम कारण यह है मान करने का कि प्रभु चाहते हैं,
घनश्याम चाहते कि राधा रानी जी मान करें, वो रूठ जाएं, मैं मनाऊं निकुंज की लीला में। इसलिए ठाकुर जी को उन्हें मनाने में आनंद बड़ा मिलता है। इसलिए राधा रानी जी प्रभु की इच्छा जानकर रूठती हैं, मान कर लेती हैं और श्याम सुंदर मनाते हैं। दूसरा कारण क्या है, जब ठाकुर जी कोई ऐसा काम करते हैं जिसको करने से भगवान को कष्ट हो, परिणाम में कष्ट हो, तो राधा रानी जी क्या करती है, मान कर लेती है, बोले ताकि प्रभु ऐसा काम करें ही ना। आप भी तो ऐसा करते हो, कोई पति ऐसा काम करे जिससे कष्ट हो, दिक्कत हो, तो घरवाली क्या करेगी, रूठ के बैठ जाएगी। उस स्थिति में भी राधा रानी जी मान करती हैं। और तीसरा कारण क्या है कि भगवान कोई ऐसी लीला करते हैं जिसको करने से बहुत आनंद प्रकट होना है, लेकिन भगवान के कारण लीला में इतना आनंद नहीं प्रकट हो रहा, तो राधा रानी जी मान कर लेती हैं कि आनंद कम ना हो जाए, आनंद अपनी चरम सीमा पर जाए, इसलिए राधा रानी जी को मान करना पड़ता है। लेकिन मूल में देखेंगे तो राधा रानी के मान करने के मूल कारण क्या है, केवल प्रभु की प्रसन्नता ही छिपी हुई है। अक्सर अक्सर निकुंज लीला में किशोरी जी मान करती हैं और ठाकुर जी मनाते हैं। और एक दिन क्या हुआ, राधा रानी जी आई कन्हैया के पास, बोले श्याम सुंदर आज इच्छा है एक हमारी। बोले क्या, बोले अक्सर अक्सर मैं मान कर लेती हूँ, आप मनाते हैं, आज मेरी इच्छा है कि आप मान कीजिए और मैं आपको मनाऊं। श्याम सुंदर मुस्कुराए, बोले राधा रानी आप मान करें हम मनाएं, ये अच्छा लगे, मैं मान करके बैठ जाऊं आप मनाएं, ये अच्छा ना लगे। राधा रानी कहाँ मानने वाली, बोले नहीं श्याम सुंदर आज कम से कम एक मौका तो दीजिए, आप मान कीजिए मैं आपको मनाऊं। अब गिरधर गोपाल ने कहा नहीं किशोरी जी आप ही मान कीजिए। अब जब नहीं बात मानी तो राधा रानी जी मान करके बैठ गई और कन्हैया लगे मनाने। बोले अच्छी बात है, अगर आप चाहती हैं कि मैं मान करूं तो ठीक है, एक दिन आपकी इच्छा के लिए मैं भी मान कर लूंगा। और अब बड़ा प्रसन्न राधा रानी जी। कुछ दिन बीते और फिर एक लीला हुई और श्याम सुंदर मान करके बैठ गए, रूठ के बैठ गए। अब लगी राधा रानी बड़ा प्रसन्न, बोले कम से कम आज पहली बार जीवन में ठाकुर जी को मनाने का अवसर मिलेगा, और लगी मनाने। अब तो भगवान माने ही नहीं। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, तीन दिन बीत गए, खूब मनाने लगी हुई है और ठाकुर जी है कि रूठ के बैठे। बोले ये अच्छी हुई, बोले मैं मान करती हूँ आप मनाते हैं तो एक पल में मान जाती हूँ, और आप ऐसा मान करके बैठ गए, तीन दिन बीत गए अभी तक मान नहीं रहे। उदास होगी राधा रानी जी। ललिता आई, विशाखा आई, बोले क्या हुआ, बोले मेरी ही गलती थी, मैंने जाकर कहा था कि आप मान करके बैठ जाइए, अब इस कदर मान करके बैठे हैं कि मानने पर नहीं आ रहे। बोले हम प्रयत्न करती, खूब प्रयत्न किया, कुछ नहीं हुआ। बोले फिर राधा रानी जी एक दिन यमुना के तट पर बैठी है, उदास है। ठीक उसी वक्त राधा रानी को उदास देखकर यमुना महारानी प्रकट हुई। बोले यमुना महारानी की, यमुना महारानी प्रकट हुई, पूछा किशोरी जी आप उदास क्यों है, सारी घटना बताई। बोले अब गिरधर गोपाल मान करके बैठे हैं, क्या करूं। बोले आप आज्ञा दीजिए तो मैं एक प्रयत्न कर लूं। बोले आप करेंगी, बोले हाँ। बोले कैसे, बोले बस आप आज्ञा दीजिए और देख लीजिए कैसे करूंगी। जैसे किशोरी जी ने आज्ञा दी तो यमुना महारानी ने बिल्कुल श्याम रूप धारण कर लिया। जैसे घनश्याम के वस्त्र है वही पीताम्बर धारण की, चरणों में नूपुर है और सुंदर पुष्पों का ताज बनाया, मयूर पिच्छ लगाई, कनेर के पीले पुष्प यहाँ लगाए, सुंदर चंदन का तिलक सजाया, चित्रकारी की नैनन में काजल सजाया और वेणु लेकर हाथ में अधन पर रखे हुए श्याम रूप में यमुना महारानी ठीक उधर से गुजरने लगी जहां पर शिला पर घनश्याम बैठे हैं। और जैसे नंदनंदन ने, ब्रजराज ने सामने देखा, बोले मेरे होते दूसरा नंदलाल कौन जा रहा है, मेरे होते दूसरे नंदनंदन कौन है। और जैसे अपने रूप को सन्मुख देखा तो भगवान का मान चला गया। बोल वृंदावन बिहारी, बोल यमुना महारानी की।